हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने टीम का पहला स्टेप रखने। तो मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम के सामने, अंदर से बाइक्स देखने आया हूँ आज, ताकि एक दिन ले लूँ तो बहुत अच्छे से। तो अभी दिखाता हूँ रॉयल एनफील्ड का शोरूम। निकलते थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, कॉलेज वाले जो दोस्त थे अपने, एक नालायक 4 या 6 महीने के बाद वापस आया है देहरादून से, मतलब उसका होम टाउन है, तो बेसिकली वो आया है तो मिलना उसी से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लान था, जा रहा हूँ कांदिवली ईस्ट। इतना स्मार्ट हूँ ना मैं, पीछे आधे से ज़्यादा व्लॉग कर दिया मैंने और वायर ही कनेक्ट नहीं किया माइक का। मैं बोल रहा था कि भाई अभी निकलते हैं हम लोग कांदिवली के लिए। ये हम आ गए हैं अभी मीरा रोड में ही, अभी तक क्या आ गए हैं कहीं, ये पूरा मीरा रोड ही है। अभी असली टास्क आएगा, आई होप ट्रैफिक ना मिले। बज रहे हैं 7:40, पहुंचना था 7:30 बजे, मैं था एकदम पंक्चुअल, रेडी हो गया था, एकदम टाइम पे निकलने भी वाला था, एकदम रेडी था, लेकिन तभी कम्युनिकेशन ही नहीं थी कुछ ढंग की, कौन किसके साथ कैसे जा रहा है। फिर सब क्लियर हुआ, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं, मैं आ गया अपने चेतक से। नहीं नहीं नहीं, ये वाला रास्ता सेफ नहीं है। आज ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र है आज रोड पे। एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास है स्टड्स का थंडर हेलमेट, अभी बात यह है कि इसमें जो वाइजर लगा है वो है ब्लैक, जो कि रात को इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है इसमें, तो जैसे कि ये हुआ अभी मेरे साथ, एक्चुअली जगह ही नहीं थी, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है ये रात को, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है और बहुत 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 ही ज़्यादा केयरफुली चला रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से चला रहा हूँ, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड नोक पे खड़ा है। इसलिए मैंने आज वाइजर बंद करके अभी व्लॉग कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो भी मैंने ट्राई किया है ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं ट्राई नहीं करने वाला क्योंकि इसके बाद मैं इसका वाइज़र चेंज करा दूंगा। सुना है कि स्टड्स के जो वाइज़र होते हैं दो तरह से हो सकते हैं, या तो वाइट वाइज़र लगवा लो, ट्रांसपेरेंट वाइट, क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट वाइज़र लगवा लो, या फिर जो नॉर्मल वाइज़र होता है ब्लैक वो लगवा लो और उसके ऊपर वो लोग कुछ शीट लगा के देते हैं जिससे कि रात को दिखता है। काफ़ी सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ कभी ट्राई मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो कतई मत करना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें आपकी जान रिस्क पे आ सकती है। और आज फाइनली मैं आप लोग को रात में दिखा सकूँगा कि मुंबई के हाईवेज कैसे दिखते हैं, बेसिकली मुंबई इज़ नाइट लाइफ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। कोई भी कैसे भी शूट हो रहा है,
अरे लाइट्स क्यों बंद कर देते हैं ये लोग रात को? रात के लिए ही तो लाइट्स लगवाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना मुझ में ये बाइक को लेके, इसका पेट्रोल देखो, ये देखो। और तुम्हारा भाई कांदीवली जा रहा है, कोई खौफ ही नहीं है कि खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पूरा भरोसा है। अब भाईचारा हो गया अब इस बाइक से। आज मैं आप लोग को भी बताऊंगा मैं कौन सी सोसाइटी में रहता था पहले, मतलब जब मैं नया नया मुंबई आया था फर्स्ट टाइम, तभी मतलब अपने होश में, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुंबई तब मैं कहाँ रहा था, आज बताऊंगा आपको। अनफॉर्चुनेटली वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था वो तो, लेकिन दिखाता हूँ। कांदीवली में था, कांदीवली से ना एक अलग ही जुड़न महसूस होती है। ओए होए 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 होए, हिंदी वोकैबुलरी, जुड़न, जुड़न मतलब समझ ही गए होगे क्या अभी स्मार्ट लोग को समझा रहा हूँ मैं। शाबाश, इतना ज्यादा क्लोज कॉल करते हुए सर, मैं पागल हूं। मैं ना लेन चेंज करने में भी इंडिकेटर दिखाता हूँ, सीधा चलता हूँ अपने लेन में चलता हूँ, और फिर बाजू से ऐसे कोई आके चले जाते हैं। इतना ये इतने पास से गया ना अभी ये आदमी, इन लोग को खौफ भी नहीं होता, एकदम फियरलेस लोग होते हैं। इतना क्लोज था, एक तो बुलेट थी तो चलो पता पड़ गया कि चलो कोई आ रहा है, कोई और बाइक होती तो कुछ अभी नहीं पड़ता अभी कि आ रहा है। ये लोग ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, देखो इंडिकेटर दिखा रहा है, कितना भला आदमी है, भगवान इसको जिंदगी की सारी खुशियां दे। साइड में लेते हैं और मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, कोई आया ना मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, तो भी क्या ही कर पाऊंगा। देख तो लेते हैं अपने को जाना किस तरफ है, लेफ्ट तो नहीं जाना है, मोस्टली राइट ही जाना है, एक बार देखते हैं। राइट जाना है यहाँ से, ओके सीधा, और फिर एक ही लेफ्ट है ना वो तरफ पे, एक ही लेफ्ट है। चलो थोड़ा चश्मा ठीक कर लेता है, आराम से। भाई भाई भाई, अभी इंडिकेटर, अरे आ रहे क्या, मिरर देखिए, आ रहा है एक, आ रहा है, जाने दो, ले लो, सेफ टू गो। क्या रुक जाए, रुक गए रुक गए रुक गए, बहुत पास से दिख रहा है, ये वाली बिल्डिंग में रहता था मैं, दिखा अभी, मैं तो भूल ही गया मैं ये रास्ते आने वाला हूँ, नीचे से आने वाला हूँ, नीचे से तो बहुत पास में दिखती है ये वाली बिल्डिंग, वेरी नाइस बिल्डिंग। इसमें 26th फ्लोर पर रहता था, पता भी नहीं है वहाँ पे कौन रहता है। जाए, थैंक्स। तो ये है पेंट हाउस, इस जगह पे कहीं तो मॉल लग रहा है, और ये है अपनी चेतक जो हमें यहाँ तक लेके आई। लो भाई, मुझे लगा मैंने झंडे गाड़ लिए, ग्रुप पे ऐसे ऐसे मैसेज करके सबसे ज़्यादा लेट निकल के भी सबसे ज़्यादा जल्दी मैं पहुँचा। ओके तो भैया यार, हम लोग को ये रेस्टोरेंट में डांस करने का भी मौका मिला है, तो हम लोग डांस करेंगे नहीं, वी आर दी टू जो बिल्कुल नहीं आते हैं। आई शो यू द एक्टिव पीपल जो नाच रहे हैं।
ये वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था, यहाँ पे रहता था मैं, 26 फ्लोर पे, एकदम पीछे था, पता ही नहीं थी ये जगह मुझे। अभी निकलते हैं भाई, क्या ही थका हूँ मैं यहाँ पे, मतलब है काफी लोग लेकिन मैं सब चिल्ला रहा हूँ पागलों जैसे। क्या मजा आया, मतलब मुझे ना खाना पीना कुछ मजा नहीं आता, मुझे बस नचवा लो, जितना मर्जी नचवा लो, बहुत मजा आता है। मतलब इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी ना, मैं तुम लोग को मिलवा भी नहीं पाया अपने दोस्तों से, बस चेहरे लिए हैं सबके। इट वॉज अ वेरी फन प्लेस, बहुत मजा आया। और क्या डीजे था यार, क्या बजा रहा था वो, मतलब किसी की शादियों में ऐसा हो ना तो मुझे बुला लो, खुल्लम खुल्ला बुला लो। अभी हेलमेट पहनते और निकलते, बहुत लेट हो गया, मैं अकेला निकला हूँ, बाकी सबको अलाउड है, मेरे को थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है, तो निकल जाते हैं। कुछ दोस्तों ना मेरे ऑफिस से आए, डायरेक्ट ऑफिस से आए, बहुत टाइम के बाद एकदम चार्ज हो गया मैं। देखते अभी और का प्लान बनते हैं, मिलते रहेंगे। अभी वापस जाना पड़ रहा है जल्दी जल्दी, मैं चश्मा ही भूल गया अपना, बिना चश्मे के कुछ दिखता तो है नहीं, जाता हूँ वापस। लेकिन इट वॉज टू मच ऑफ फन, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस भाई, इतना मज़ा आया ना मुझे, और मैं पब्लिक में और भी ज़्यादा खुल गया हूँ ब्लॉग करने में, पागलों जैसे थे लोग और मैं पागलों जैसे ब्लॉग कर रहा था, बहुत मज़ा आया। पक्का ये लोग अंदर रोकने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोग को साथ में लेके जा रहा हूँ। किसी पागल ने मेरा चश्मा वो स्पून्स और फोक्स जिसमें रखते ना उसके अंदर डाल दिया, दिख ही नहीं रहा था। बाप रे, मेरे बाल तो ना सेट ही नहीं हो रहे। फटाफट घर भागते हैं, 10:30 हो गए हैं, फटाफट भागना पड़ेगा, वरना घर में जाके अलग डांस करना पड़ेगा मम्मी के सामने सॉरी सॉरी करके। आई एम गो सेफ नाउ। अभी मैं बिल्कुल भी मोटो व्लॉग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत गहरी रात हो चुकी है और मुझे बहुत जल्दी घर पहुँचना है, लेकिन मैं भगाऊंगा भी नहीं, बहुत सावधानी से बाइक चलानी कि रात का वक्त है, तो हम सीधा भी घर पे मिलते हैं। भाई नहीं 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 नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया यार, शिट शिट शिट, अरे इतने पे तो चलता था, क्या हो गया इसको, ये इसका पेट्रोल देखो, तुम्हारा भाई कांदीवली जा रहा है, कोई खौफ ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, पूरा भरोसा है। तो भाई सही सलामत पहुंच गए हैं घर, बाइक ने दे दिया धोखा, जैसे तैसे पहुंच के, अगर उसके रिजर्व में था उतना पेट्रोल के घर तक पहुंच सके, कल जाके अभी पेट्रोल भराना सबसे पहला काम। अभी सब लोग सो गए और मैं करने बैठा हूँ एडिटिंग, सर पे लगवा लिया तेल क्योंकि इतना नाचा, इतना म्यूजिक बजा, आदत नहीं है उतना तो सर दुख गया, कमज़ोर लोग। तो अभी मैं भी जाता हूँ सोने, एडिटिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए, अच्छा अच्छा जो भी आपके रिव्यू होंगे वो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बार टारगेट सेट कर लिया है हमने अपने मन में, वो पूरा हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्यार बनाए रखिए क्योंकि मेहनत जारी है बहुत ज़ोर शोर से, और पिछले दो वीडियो में आपका जो भी प्यार आया है उसके लिए बहुत सुंदर सा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।